यूपी के कन्नौज जिले में प्रेम प्रसंग के विवाद के चलते लड़की के पिता ने लड़की के भाई को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि घायल का छोटा भाई गांव में रहने वाली एक लड़की से प्रेम करता था और घटना के एक दिन पहले उसके छोटे भाई के साथ लड़की भी गायब हो गई, जिसके बाद लड़की के गायब होने से गुस्साए लड़की के पिता ने उसको गोली मार दी और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद गंभीर हालत में घायल को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। ये बोल रहे थे कि तुम्हारा छोटा भाई हमारी लड़की की बात करता है, तो मैंने कहा रोक देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बस फिर इन्होंने गोली मार दी पीछे से। अपना काम कर रहे थे, आलू भर रहे थे पैकेट। थाना शिवरामऊ में दुबे परिवार हैं दोनों पक्ष, तो एक पक्ष की लड़की और एक पक्ष का लड़का रात से 11 बजे से गायब हैं। इस बात को लेकर के दोनों परिवारों के बीच विवाद होना बताया जाता है, जिसमें कि एक एक व्यक्ति है अंशुल दुबे, तो उनका कहना है कि वो जो आरोपी है उसका भाई है और उसके पीठ में जो लड़की के पिता है उनके द्वारा फायर करके उसको घायल किया गया है। ये सूचना यूपी 100 पर हम लोगों को सुबह में प्राप्त हुई, सुबह की घटना है। उसके बाद जब यूपी 100 की गाड़ी गांव में पहुंची है तो घटना के बारे में गांव के लोगों को जानकारी नहीं थी। बाद में पता चला कि उसको ससैया अस्पताल लाया गया है, तो वहां पर पुलिस जाकर के छानबीन कर रही है। फिलहाल पुलिस कप्तान का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और हर पहलू पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज से पंजाब केसरी टीवी के लिए नित्य मिश्रा की रिपोर्ट।